फ्रेंड्स, आप सबको अपने चैनल पर स्वागत है। सीबीएसई क्लास 10 और 12 बच्चे आप सब टर्म 2 के प्रिपरेशन में लगे हुए हैं और कुछ पेपर तो हो चुका है, कुछ पेपर बाकी है और पूरी तरह से एग्जामिनेशन ओवरऑल हो भी जाएगा कुछ दिनों में। लेकिन स्टूडेंट्स, आपको अभी भी ये चिंता है कि मेरे टर्म 2 अच्छे नहीं जा रहे हैं क्योंकि मैथ्स के पेपर क्लास 10 का परेशान कर दिया, कुछ केमिस्ट्री परेशान 12 वाले किया है। तो अब आप सबको परेशानी इस विषय का है कि क्या हम पास हो पाएंगे कि नहीं। टर्म 1 में तो रिजल्ट आ गए हैं, अच्छे मार्क्स भी नजर आ रहे हैं, लेकिन टर्म 2 के अच्छे नहीं है। क्या हम पास होंगे या फेल? तो सीबीएसई का ही सर्कुलर देखिए, सीबीएसई रोज रोज सर्कुलर नहीं निकाली है। याद कीजिए आप कि एक उस समय 5 जुलाई का सर्कुलर निकाले थे जब टर्म 1 टर्म 2 के बारे में बात की, दूसरी बात रिजल्ट के टाइम में एक सर्कुलर जारी की है, उसके बाद सीबीएसई एकदम खामोश है, कोई बातें नहीं है। लेकिन मीडिया में कहां से ये बातें आ गई कि आपको पासिंग कैटेगरी टर्म 1 और टर्म 2 दोनों के लिए अलग है। मैं आपको सर्कुलर नंबर 51 जो 2021 में 5 जुलाई एक को निकाली थी सीबीएसई, जिसमें कहा था मॉक टर्म 1 और टर्म 2 का रिजल्ट का क्या रोल होगा। अगर आप देखें यहां पॉइंट 4 नंबर पॉइंट जो आपको देख रहे हैं, उसमें साफ साफ लिखा है मार्क्स ऑफ टर्म 1 एग्जामिनेशन विल बी कंट्रीब्यूट टू द फाइनल स्क्वायर ऑफ स्टूडेंट्स। टर्म 1 का जो मार्क्स होगा वो आपको फाइनल स्क्वायर में कंट्रीब्यूट करेगा। उसी तरह से अगर टर्म 2 के बारे में भी बात कही गई है, 5 नंबर जो पैराग्राफ में जो कि ऑन द स्क्रीन आप देख लीजिए, वहां भी बोला गया है मार्क्स ऑफ टर्म 2 एग्जामिनेशन कुड कंट्रीब्यूट द फाइनल ओवरऑल ऑफ स्क्वायर। टर्म 2 जो है का जो भी मार्क्स होगा और टर्म 1 दोनों मिलाकर ओवरऑल मार्क्स करेगा, जो कि आपको 33% पासिंग मार्क्स चाहिए। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत ही राहत मिला होगा। तो गाइस, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें जरूर, और साथ साथ लाइक भी कर दें, शेयर कर दें, बेल नोटिफिकेशन होगा नहीं, क्योंकि सही इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर मिलता है। स्टूडेंट, जय हिंद, जय।